ओके चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो इन प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट सम ऑफ द लिगेंड, मोस्टली मोनोवेलेंट लिगेंड के बारे में हमने बात कर ली थी और डाइवेलेंट लिगेंड के बारे में बात कर ली थी। ऐसे लिगेंड जो एक बॉन्ड बनाते हैं या दो बॉन्ड बनाते हैं, वी हैव डिस्कस्ड दैट। अब इसके बाद कुछ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं जो दो इससे ज्यादा बॉन्ड बनाने का नेचर रखते हैं, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं दैट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड लिगेंड ओके। तो देखिए पॉलीडेंटेट लिगेंड जैसा मैंने कहा, जो जिनमें नेचर हो दो से ज्यादा बॉन्ड बनाने का, ठीक है। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड में जो इंपोर्टेंट हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एक बार पहले वो ले लेता हूं मैं, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ देम इज ईडीटीए माइनस टू एंड सेकेंड वन इज ईडीटीए, सॉरी ईडीटीए माइनस थ्री एंड ईडीटीए माइनस फोर। दीज आर द टू इंपोर्टेंट पॉलीडेंटेट लिगेंड, इनको समझे, इनका स्ट्रक्चर देखिए आप। तो इसमें एक तो है आपके पास दैट इज ईडीटीए, ई डी टी ए माइनस थ्री, ठीक है, थ्री नेगेटिव। और अगर हम इसका पूरा नाम देखते हैं दैट इज इथाइलीन, इथाइलीन डाइएमाइन, डाइएमाइन एंड ट्राई एसीटेटो, ठीक है। इथाइलीन डाइएमाइन ट्राई एसीटेटो, दिस इज द एक्चुअली टेट्राडेंटेट लिगेंड। अब इसमें होता क्या है समझना, एक टेट्रा भी नहीं है ये, हेक्साडेंटेट है, ठीक है। एक्चुअली इसमें होता क्या है देखते हैं अपन, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, इथाइलीन मीन्स सी एच टू, सी एच टू, दिस इज इथाइलीन। डाइएमाइन मीन्स टू एन एच टू ग्रुप आर हियर, एन एच टू एंड एन एच टू, बट साथ में ट्राई एसीटेटो है, तो इसका मतलब आपको दो हाइड्रोजन रिमूव करके यू विल हैव टू यूज हियर एसीटेटो ग्रुप, सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव एंड सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव। और ट्राई है तो वी हैव ऑलरेडी यूज टू एसीटेट ग्रुप, सो वन ऑफ द एसीटेट ग्रुप विल बी प्लेस हियर। एक एसीटेट ग्रुप आप यहां लगा दें, एक हाइड्रोजन लगा दें, दिस इज अनदर वन एसीटेट ग्रुप। सो नाउ इट इज इथाइलीन टू नाइट्रोजन, सो दैट्स व्हाई इट इज डाइएमाइन एंड ट्राई एसीटेटो, वन टू थ्री ट्राई एसीटेट ग्रुप्स आर देयर। एंड एक्चुअली इट इज अ पेंटाडेंटेट लिगेंड, ये ध्यान रखें, इट इज अ पेंटाडेंटेट। व्हाई इट इज पेंटाडेंटेट, बिकॉज इट कैन फॉर्म फोर बॉन्ड, वन बाय दिस ऑक्सीजन, ओके, सेकेंड बाय दिस नाइट्रोजन, थर्ड बाय दिस ऑक्सीजन, फोर्थ बाय दिस नाइट्रोजन एंड फिफ्थ बाय दिस ऑक्सीजन, ओके। सो इट कैन फॉर्म फाइव बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेंटाडेंटेट लिगेंड, ओके। एंड वन मोर थिंग इज द चार्ज ऑन इट इज माइनस थ्री, इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज माइनस थ्री। एंड वाई देर इज माइनस थ्री चार्ज, बिकॉज इट हैज थ्री एसीटेट ग्रुप एंड ईच एसीटेट ग्रुप हैविंग वन नेगेटिव चार्ज, ओके। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड माइनस थ्री चार्ज पेंटाडेंटेट लिगेंड, ओके। इसको ध्यान रखना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ नेक्स्ट वन, दैट इज ईडीटीए, ईडीटीए, ईडीटीए माइनस फोर, ओके। प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियो, बेटा समबडीज ऑडियो इज ऑन, सो बैकग्राउंड वॉइस इज ऑडिबल, प्लीज टर्न ऑन, टर्न ऑफ योर ऑडियो, ओके। लेट्स सी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ईडीटीए माइनस फोर। एक्चुअली ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज टू लिगेंड्स आर सिमिलर टू ईच अदर, इनका देखो स्टार्टिंग का नेम सेम है बट चार्ज इज डिफरेंट, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी होती है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखें इस चीज को। अब अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट ईडीटीए माइनस फोर, देन इट इज कॉल्ड इथाइलीन, इथाइलीन डाइएमाइन, डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो, ठीक है, एक्चुअली एसीटेटो। और देर इज वेरी स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन दैम, इट इज दिस वन इज ट्राई एसीटेटो, हियर सी इज फॉर ट्राई एंड हियर सी इज फॉर टेट्रा, बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इट देन इट विल बी लाइक दिस इथाइलीन, देन सी एच टू, सी एच टू, दिस इज इथाइलीन, मेन एज इथाइलीन एंड डाई एमाइन, दैट मीन्स टू नाइट्रोजन, एन एन एन, ओके। टेट्रा एसीटेटो दैट मीन्स फोर एसीटेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सो सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव,
CH2COO negative, two acetate and two more acetate will attach with this nitrogen. Now, this is tetraacetato. अब इसका अगर हम देखें कि इसकी डेंसिटी कितनी है, हाउ मेनी बॉन्ड्स इट कैन फॉर्म, इट कैन फॉर्म सिक्स बॉन्ड्स, इट कैन फॉर्म सिक्स बॉन्ड, लाइक वन बाय दिस नाइट्रोजन, वन बाय दिस ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन एंड दिस नाइट्रोजन. सो टोटल सिक्स बॉन्ड इट विल फॉर्म, बिकॉज इट कैन फॉर्म सिक्स बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्साडेंटेट. इट इज हेक्साडेंटेट लीगेंड. ठीक है, तो ध्यान रखिए दीज टू लीगेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, EDTA -3 एंड EDTA -4. EDTA -4 इज बिकॉज देयर आर फोर एसिटेट ग्रुप अटैच विद इट, सो ईच एसिटेट ग्रुप हैविंग -1 चार्ज, सो दैट्स व्हाई इट इज हैविंग -4 चार्ज. ठीक है, और यहां पर आपके पास यू हैव थ्री एसिटेट ग्रुप. ठीक है, सो दैट्स व्हाई देयर इज -3 चार्ज हियर. ठीक है, तो आई थिंक यू कैन रिमेंबर इट वेरी इजली. चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं. ओके, सो इट वॉज अबाउट द लिगेंड. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, so what is coordination number? Actually, in term of complex compound or coordination compound, coordination number is the number of ligand attached with central metal ion. Okay, but ligands, we know that ligand form coordinate bond with metal, so we can say that number of coordinate bond formed by ligand with metal or metal with ligand, so that is called coordination number. So isko kis tarah define karenge, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल आयन और एटम एंड लिगेंड. ओके, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं. बट हाउ कैन वी कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर? सो देयर इज यू नो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर समटाइम फॉर डिफरेंट लिगेंड, बिकॉज सम लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड, सम आर बाईडेंटेड, सम आर ट्राईडेंटेड. तो वहां कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही मेथड से अपन फाइंड नहीं कर सकते. मोनोडेंटेड के लिए अलग, बाईडेंटेड के लिए अलग मेथड यूज में लेना पड़ेगा. देखिए, अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर रहे हैं किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड. ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं और आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है. ठीक है, सो हाउ कैन यू फाइंड? सो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड, दैट इज जितने लिगेंड्स हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है अगर मोनोडेंटेड जुड़ा हुआ है. तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव के फोर FeCN6. Okay, so here we know that CN is ligand, and how many ligands are attached with it? Six ligands. So as there are six ligands, and we know that CN is a monodentate ligand, each CN will form single bond. So that's why six single bond will be there. तो जितने सिंगल बॉन्ड ये बना रहा है उसके साथ उतना ही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर. सो दैट्स व्हाई यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इट विल बी 6. ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बाईडेंटेड लिगेंड, इन केस ऑफ बाईडेंटेड लिगेंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लिगेंड, यानी जितने भी लिगेंड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज हमें पता है कि जो लिगेंड है, ठीक है, वो क्या करेगा, आपके पास में 2 बॉन्ड बनाएगा, तो दैट्स व्हाई यू विल मल्टीप्लाइड विद 2, तो उससे आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव CoEn3 एंड 3 पॉजिटिव. ओके, सो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वी हैव.
तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ईएन है, इस ईएन का मतलब क्या बेटा? ईएन होता है इथाइलीन 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 डाइएमाइन डाइएमाइन, और इसका स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। इथाइलीन डाइएमाइन कैसा होता है? इट इज जस्ट लाइक दिस, जस्ट करने, इट इज जस्ट लाइक दिस, CH2 NH2 NH2। तो इथाइलीन डाइएमाइन में जो एमाइन ग्रुप है इट फॉर्म टू बॉन्ड, दो बॉन्ड बनाता है, दैट्स व्हाई इट इज बाइडेंटेट। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पर? इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। सो हाउ कैन आई कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, फोर बाइडेंटेट लिगेंड, फोर लिख रहे हैं, ठीक है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट? तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लिगेंड। अब नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? वी हैव थ्री लिगेंड, बिकॉज थ्री से मल्टीप्लाई है, ठीक है। ई एन ये है बेटा, ध्यान रखना, जिन्होंने पहले वाली क्लास अटेंड नहीं की है, इथाइलिन डायमाइन का शॉर्ट फॉर्म ई एन होता है। तो वी हैव थ्री ई एन, और एक ई एन जो है वो दो बॉन्ड बनाता है, तो दैट्स व्हाई इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय टू एंड थ्री। तो यहाँ कितना आ जाएगा? सिक्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? सिक्स हो गया है। तो आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया कि अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है तो हमें सिंपली किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लो आपके पास में कोई ट्राइडेंटेट लिगेंड आ रहा है, ठीक है, सपोज यू हैव अ ट्राइडेंटेट लिगेंड, आई थिंक स्पेस, यस, हम फाइंड करना चाह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ट्राइडेंटेट ट्राइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, फॉर ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो कैसे फाइंड करेंगे? इट विल बी बिकॉज ट्राइडेंटेड लिगेंड है तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? थ्री से, और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है, जितने भी लिगेंड है उसको आप थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद नेक्स्ट जो चीज हमें आनी चाहिए दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, सुरफ कर दें। नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑफ सेंट्रल आयन और एटम, ठीक है, सेंट्रल आयन या एटम जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। सो लेट मी टेल यू हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। एक्चुअली सपोज वी हैव दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके, दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वी नो दैट दिस इज द सेंट्रल एटम एंड दिस सेंट्रल एटम हैज सम चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, दैट इज दैट रिप्रेजेंट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है? इसको एक्स कंसिडर करके कैलकुलेट करना है, और बिल्कुल वैसे ही द सेम वे विच यू डिड इन 11th स्टैंडर्ड व्हाइल यू आर स्टडिंग अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर आपने पढ़ा था, तो उस चैप्टर में आपने देखा था कि जो भी अपने पास जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड करते हैं सेंट्रल एटम का, उसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं, एंड ऑल अदर यू नो आयंस कनेक्टिंग विद इट उनका चार्ज हमें पता होना चाहिए। इफ वंस वी नो द चार्ज ऑफ दीज स्पीसीज कनेक्टेड विद इट, तो उसको आप पुट करें, और अगर वे न्यूट्रल है तो टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, और फिर उसको एक्स को फाइंड कर लें। जैसे सपोज हमें इसी का फाइंड करना है, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर? सो इट्स वेरी सिंपल, देखिए वी नो दैट पोटेशियम इज एल्कलाइन मेटल एंड दिस एल्कलाइन मेटल हैज प्लस वन चार्ज, ओके, एंड वी हैव फोर पोटेशियम, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय फोर, देन प्लस वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एसी, एसी को मैंने एक्स कंसिडर कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज सी एन। अब सी एन एक लीगेंड है, और मैंने आपको लीगेंड का चार्ज कल की क्लास में बता दिया था कि हर लीगेंड पर कितना चार्ज होता है, एंड यू नो दैट सी एन इज मोनो नेगेटिव, पर माइनस वन चार्ज होता है, तो माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय सिक्स, और एज यू कैन सी दैट द होल कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है पूरे कॉम्प्लेक्स पर, तो इट विल बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट एक्स, तो फोर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू प्लस टू। तो यहां पर जो एफ पर चार्ज है दैट इज प्लस टू, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज प्लस टू,
तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था न्यूट्रल के लिए। बट समटाइम इट हैपन्स दैट कि वी हैव अ कंपाउंड विच इज नॉट न्यूट्रल, दैट इज इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्म, उसमें भी हो सकता है। सो इन दैट केस हाउ कैन यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर? सपोज वी हैव पी आर एन एच थ्री टू एंड एच टू ओ टू एंड सी एल टू एंड प्लस वन चार्ज। ओके, सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। अगेन क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमको फाइंड करना है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है उसको एक्स कंसिडर करें, प्लस अमोनिया जो है इसको हम एमीन कहते हैं इन टर्म ऑफ लिगेंड, जो हम लिगेंड की फॉर्म में इसको यूज में ले रहे हैं, इट इज कॉल्ड एमीन। सो एमीन का जो है हमने लिखवाया था, इट इज न्यूट्रल, इट हैज जीरो चार्ज। तो इसका चार्ज जो है वो जीरो है मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस वाटर। वाटर को हम एक्वा बोलते हैं इसको, जब लिगेंड की तरह यूज में लेते हैं। एंड द चार्ज ऑन वाटर इज जीरो, देन मल्टीप्लाइड बाय टू अगेन एंड देन क्लोरीन हैविंग माइनस वन चार्ज मल्टीप्लाइड बाय टू एंड इक्वल्स टू, अब ध्यान रखना है बेटा, इक्वल्स टू, अब यहां बाहर जो चार्ज दिख रहा है दैट इज द चार्ज ऑफ होल कॉम्प्लेक्स आयन। इस कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज प्लस वन है, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टोटल ऑफ दीज कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट। तो इसके सम के इक्वल होगा, इट इज प्लस वन। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें, एक्स प्लस जीरो माइनस टू इक्वल्स टू प्लस वन एंड एक्स इक्वल्स टू टू को उधर ले जाए, इट विल बिकम प्लस थ्री। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में प्लस थ्री चार्ज है। ठीक है, तो बाय दिस वे यू कैन इजिली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और एटम। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे जो हम पढ़ेंगे दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए आपको ये सारी चीजें पता होना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारे पास में लिगेंड कितने तरह के होते हैं, उन पर चार्ज कितना होता है, ठीक है, ये सारी चीजें, या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो वो सब हमें पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई मैं ये सारी चीज आपको रिपीट कर रहा हूं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। और वन मोर थिंग इज देयर, एक चीज के बारे में और बात करेंगे, और वो है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। कभी कभी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, दैट इज हेट्रोलेप्टिक एंड होमोलेप्टिक। इसको और समझे आप, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैन बी क्लासिफाइड सिंपली इंटू टू टाइप, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। वन इज होमोलेप्टिक। ओके, होमोलेप्टिक किसे कहते हैं? देखिए, होमो मीन्स होता है सेम और लेप्टिक स्टैंड फॉर लिगेंड। अगर आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड सेम देखने को मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड होमोलेप्टिक। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, यहां लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन कि कॉम्प्लेक्स है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सो यू कैन से कि कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम टाइप ऑफ लिगेंड या ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड भी कह सकते हो। अगर एक ही तरह के लिगेंड है देन इट इज कॉल्ड होमोलेप्टिक। फॉर एग्जाम्पल सी आर एन एच थ्री सिक्स एंड सी एल थ्री। ठीक है, तो लिगेंड किसे कंसिडर किया जाता है ये भी ध्यान रखिए बेटा। लिगेंड्स आर दोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्पीयर। ठीक है, ये जो आपके पास है पूरा कोऑर्डिनेशन स्पीयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्पीयर में इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको मेटल से जुड़े हुए दिखेंगे आपको स्पीसीज, वो सब लिगेंड्स हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिक्स लिगेंड है और वो भी क्या है, एन एच थ्री। बाहर जो सीएल है वो लिगेंड नहीं है, तो यहां पर केवल एक ही तरह के लिगेंड मिल रहे हैं, ओनली सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर देयर। सो दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलेप्टिक। ओके, सेकेंड जो आता है आपके पास दैट इज हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक किसे कहेंगे? कॉम्प्लेक्स हैविंग टू और मोर टाइप्स ऑफ लिगेंड। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है
और उसमें दो या दो से ज्यादा तरह के लिगेंड्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव सपोज कोबाल्ट NH3 CN2 2 एंड Cl2 एंड Na ओनली। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, हियर यू कैन सी NH3 इज वन टाइप ऑफ लिगेंड, CN इज सेकेंड टाइप ऑफ लिगेंड एंड Cl इज थर्ड टाइप ऑफ लिगेंड। सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ लिगेंड इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में तीन तरह के लिगेंड है। सो दैट्स वाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत ईजी है, बट ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखें इसको। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें, दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इसको समझिए अच्छी तरह से, दैट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। हेड्रॉन देखो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या है एक्चुअली। व्हेन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सो वी नो दैट लिगेंड्स आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल आयन और एटम इन डिफरेंट डायरेक्शन इन 3D। 3D के अंदर जो लिगेंड्स है, आप देखेंगे कि मेटल के चारों तरफ अलग अलग डायरेक्शन में 3D में अरेंज है। तो वो जो शेप बनाते हैं, ठीक है ना, 3D के अंदर, तो वो शेप उसका जो है, दैट इज कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन को, ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं क्या, इसका 3D अरेंजमेंट है इस तरह से स्पेस में। तो यहां लिख सकते हैं कि अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, लिगेंड अराउंड अराउंड द सेंट्रल मेटल, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन आयन फॉर्म अ 3D स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉल्ड पॉली कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। उसे आप कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहेंगे, ठीक है, पॉलीहेड्रॉन। अब ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कितने तरह के होते हैं, देखिए एक्चुअली दे डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पर डिपेंड करेगा कि ये कितने तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर मैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करूं, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो पहला जो कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है, दैट इज जस्ट लाइक दिस MN4, ठीक है, MN4 टाइप। और MN4 टाइप में दो तरह के अरेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। MN4 टाइप में देर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। MN4 का मतलब क्या है, M4 मेटल, L4 लिगेंड, मतलब एक मेटल से फोर लिगेंड्स अटैच है यहां पर, ओके। सो फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज, फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दैट इज स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर। एंड सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये दो तरह के शेप्स आपको देखने को मिलेंगे जब आपके पास ML4 टाइप होगा, या तो होगा वो स्क्वायर प्लेनर, या फिर होगा वो किस तरह से टेट्राहेड्रल शेप के अंदर होगा, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, देखो मेटल इज इन द सेंटर एंड फोर लिगेंड्स आर अरेंज एट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर लाइक दिस, लाइक दिस, दे आर अरेंज लाइक दिस, इस तरह से अरेंज होते हैं। तो दिस शेप इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर, इसको आप स्क्वायर प्लेनर कहें। सेकेंड इज टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन के अंदर क्या होगा, लिगेंड विल बी इन द सेंट्रल, सॉरी मेटल विल बी इन द सेंटर एंड फोर लिगेंड विल बी अरेंज इन टेट्राहेड्रॉन शेप लाइक दिस, लाइक दिस। ये जो शेप बन रहा है आपके पास, दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। सो यहां पर दिस इज फॉर ML4 टाइप, ओके। एंड द सेकेंड इज, सेकेंड इज ML5 टाइप। इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स ML5 टाइप, ML5 टाइप मीन मेटल इज इन द सेंटर एंड देर आर फाइव लिगेंड्स अटैच ऑल अराउंड द मेटल आयन, ओके। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ शेप, इसमें दो तरह के शेप्स होंगे आपके पास। वन ऑफ द शेप विल बी
वन ऑफ द शेप विल बी ट्राइगोनल, अपनी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाय पिरामिडल, ओके। सो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, मेटल विल बी इन द सेंटर एंड दिस इज द ट्राइगोनल शेप, ओके। वन लिगेंड इज हियर, वन इज हियर एंड वन इज हियर, एंड बाई पिरामिडल, हाउ बाई पिरामिडल विल बी फॉर्म, वन परपेंडिकुलर, ठीक है, सेकेंड परपेंडिकुलर एंड यू मीट द लाइन, इस तरह से इनको अगर मिला देते हैं आप इस तरह से, सो इट विल फॉर्म द ट्राइगोनल शेप एंड इफ यू मीट द लाइन्स टू द लिगेंड विच इज अबाउट परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया ऊपर की तरफ, एंड सिमिलरली वन ऑफ द पिरामिड विल बी डाउन साइड, ओके। एक पिरामिड इस तरह से बन जाएगा, तो दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एंड अनदर शेप विच वी कैन मेक इज स्क्वायर पिरामिडल, अनदर इज स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल, हाउ स्क्वायर पिरामिडल इज फॉर्म, एक्चुअली इट कैन बी फॉर्म लाइक दिस, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द स्क्वायर, मेटल इन द सेंटर, लिगेंड 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 एंड लिगेंड, ओके, एंड ओके, दीज आर द लिगेंड एंड वन ऑफ द लिगेंड विल बी अबव, सो दिस इज स्क्वायर एंड इफ यू मीट दिस लाइन, उनको अगर मिला दें हम, कनेक्ट दिस लाइन, सो इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म अ पिरामिड अबव, ये ऊपर एक पिरामिड बन जाएगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल। बेटा ये सारे शेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि आगे जब हम इनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तो वहां ये यूज में आएंगे, वहां केवल आपको नाम बताया जाएगा जिसका शेप ऐसा होता है, तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना कि इफ इट इज स्क्वायर पिरामिडल दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ शेप, इफ इट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल देन दिस टाइप ऑफ शेप विल बी कंसिडर्ड, ओके। तो ये चीज ध्यान रखूंगा। एंड वन मोर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इन विच सिक्स लिगेंड्स आर देयर, एक और हो सकता है जहां पर आपके पास लिगेंड जो है, नंबर ऑफ लिगेंड आर सिक्स, सो लेट्स सी दैट डायग्राम, ओके। बट आई थिंक चलो ये तो कंप्लीट कर ही देते हैं, सो एंड द लास्ट वन इज नंबर थ्री, एम एल सिक्स टाइप, ओके। इन एम एल सिक्स टाइप इट इज द शेप कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल भी कहा जाता है इसको, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर बाई पिरामिडल, तो टाइम है शायद, ओके, स्क्वायर बाई पिरामिडल, इट इज कॉल्ड स्क्वायर बाई पिरामिडल, ओके। अब ऑक्टाहेड्रल आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं वैसे, लेकिन यहाँ ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा देखें, स्क्वायर बाई पिरामिडल देखिए, अपन मेटल विल बी इन द सेंटर एंड फर्स्ट यू मेक अ स्क्वायर यूजिंग लिगेंड, ओके, दिस इज द स्क्वायर, और इसको अगर मैं बाई पिरामिडल बनाता हूँ, ठीक है, बाई पिरामिडल मतलब एक पिरामिड ऊपर वन ऑफ द लिगेंड विल बी प्लेस हियर, अनदर वन विल बी प्लेस हियर, ठीक है, और इनको कनेक्ट कर देता हूँ, तो आप देखो एक पिरामिड ऊपर बन गया आपके पास इस तरह से, और सिमिलरली वन ऑफ द पिरामिड विल बी ड्रॉन डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ जाएगा लाइक दिस, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्वायर बाई पिरामिडल, अच्छी तरह नहीं दिख रहा, ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्वायर बाई पिरामिडल, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। तो ये जो शेप्स अपन ने बनाए हैं, ऑल दीज शेप्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, इन्हें अपन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। चलिए आगे चलें, यस बेटा, वांट टू आस्क एनीथिंग, यस बोलिए, एक्चुअली आपकी वॉइस ना इको कर रही है बहुत ज्यादा, तो मैं, ठीक है, व्हाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नोमेनक्लेचर वी शुड नो फर्स्ट लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, चार्ज ऑन लिगेंड, ओके, टाइप ऑफ लिगेंड, एंड देन वी शुड ऑल्सो नो द शेप, सॉरी शेप की तो खैर जरूरत नहीं पड़ी, ऑक्सीडेशन स्टेट, वी शुड ऑल्सो नो हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कंपाउंड, देन वी कैन इजली राइट द आईयूपीएसी नेम। चलिए देखते हैं अपन इसको, तीन पार्ट में स्टडी करेंगे अपन, तो फर्स्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके, कंपाउंड, और बेटा ये ऐसा टॉपिक है ये मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को अच्छी तरह से तैयार करें, ठीक है,
चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग पहले बात कर रहे हैं टाइप फर्स्ट कि पहला जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट टाइप का जो होगा वो ऐसे हो सकता है, उसकी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सपोज यू हैव मेटल, देन यू हैव लिगेंड, देन यू हैव नंबर ऑफ लिगेंड इसको शो कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कोई नॉन मेटल हो सकता है। ठीक है, मैं एक बार इनको शो कर देता हूं। दिस इज मेटल, मेटल आयन सपोज, दिस इज लिगेंड, लिगेंड, दिस इज नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड को शो कर रहे हैं, एंड एक्स इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। ओके, तो अब जब आप इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं, सो हाउ यू विल स्टार्ट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पीयर। जो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्पीयर है दैट इज पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव पार्ट आगे लिखा हुआ है, नेगेटिव पार्ट पीछे लिखा हुआ है, तो आपको पहले पॉजिटिव पार्ट को लिखना है। और पॉजिटिव पार्ट क्या है आपके पास, दिस वन इज द पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, और इसमें भी आप लिखना कहां से स्टार्ट करेंगे, इसमें कोऑर्डिनेशन स्पीयर के सबसे पहले लिगेंड को लिखेंगे आप नंबर ऑफ लिगेंड के साथ में। तो पहले मैं लिखूंगा सबसे पहले नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड है। ठीक है, और नंबर ऑफ लिगेंड के लिए क्या टर्म्स यूज में लेते हैं आप, जैसे अगर आपके पास दो है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, पेंटा, हेक्सा, इन टर्म्स को यूज में लेंगे आप। ओके, वंस यू राइट द, यू हैव रिटन द नंबर ऑफ लिगेंड, फिर आपको क्या लिखना है, देन नेम ऑफ लिगेंड, देन नेम ऑफ, नेम ऑफ लिगेंड, फिर उस लिगेंड का नाम लिखें जो आपके पास में यहां है। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो क्या करें, नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली, ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर पर। जैसे मान लो आपके पास साइनो भी आ गया, एमीन भी आ गया, तो साइनो स्टार्ट विद सी, एमीन स्टार्ट विद ए, तो फर्स्ट यू विल राइट एमाइन, एमीन, एंड देन यू विल राइट साइनो। ठीक है, अगर दो लिगेंड्स आए हैं तो। थर्ड, वंस यू डन इट, देन फिर आपको क्या करना है कि फिर मेटल को लिखना है, देन मेटल आयन, ओके, मेटल आयन विद चार्ज, मतलब विद ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान रखना, इन रोमन, ठीक है, रोमन में आप ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे लिखेंगे मेटल आयन के बाद में। और ये पूरा जो मैंने लिखा है दैट इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पीयर, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्पीयर है। ठीक है, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्पीयर जो है एक साथ लिखा जाएगा बेटा, एक साथ, ठीक है, ब्रैकेट में क्लोज नहीं करना है, बट इसको एक ही वर्ड के अंदर आपको लिखना है पूरे को। और उसके बाद में फिर जो नॉन मेटल है उसे लिखना है आपको, नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसको अपन क्लियर करने के लिए। सपोज वी हैव, सिंपल से एग्जांपल लें, सीओ एनएच थ्री टू एंड देन सी एन फोर, फोर निकली टू एंड एच टू ओ टू एंड देन सी एन। ओके, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कैसे लिखेंगे हम, देखो जैसा आपने कहा कि ये वाला पार्ट जो है कोऑर्डिनेशन स्पीयर, इट इज द पॉजिटिव पार्ट, तो पहले इस पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस नेगेटिव पार्ट। तो इसमें भी पहले क्या लिखना है आपको, लिगेंड। अब लिगेंड अल्फाबेटिकली लिखने, दिस इज एमाइन ए एम, दिस इज साइनो सी एन सी वाई एंड दिस इज एक्वा ए क्यू। तो अल्फाबेटिकली देखा जाए तो पहले कौन आता है, ए आता है, और ए में भी पहले एम है और यहां क्यू है, तो क्यू और एम में से पहले कौन आएगा, एम पहले आएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखो टू एम आइन है आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे, डाई एमाइन, डाई एमाइन एंड डाई एमाइन के बाद फिर एक्वा है आपके पास, अगेन डाई एक्वा एंड देन साइनो है आपके पास में, डाई साइनो, ठीक है, सबको मिला के लिखना है, बीच में गैप नहीं देना है आपको, ठीक है, देन कोबाल्ट मेटल, सबसे इसके बाद में मेटल लिखेंगे, लिगेंड लिख दिया आपने, नेम ऑफ लिगेंड लिख दिया, देन मेटल, ठीक है, मेटल इज कोबाल्ट, कोबाल्ट एंड आफ्टर राइटिंग कोबाल्ट यू हैव टू मेंशन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी है आपको फाइंड करना आता है, जैसे हमें पता है इसकी जीरो होती है, जीरो इंटू टू, इसकी जीरो इंटू टू और इसकी, सॉरी, जीरो इंटू माइनस वन, जीरो इंटू क्यू, माइनस वन इंटू टू एंड इट इज जीरो इंटू टू
एंड इट इज -1, बिल्कुल। तो इसकी कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। तो +3 है, दैट्स वाई वी विल राइट हियर थर्ड। ध्यान रखना बेटा, थर्ड लिखना है, थ्री नहीं लिखना है, ठीक है? तो कोबाल्ट थर्ड, एंड फिर जो आपके पास लास्ट में बच गया उसको स्पेस देकर लिखिए, लिखें स्पेस देकर के लाइक दिस, क्लोराइड, दिस इज क्लोराइड, ठीक है? तो ये पूरा एक साथ आ गया कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर जो था, और जो कोऑर्डिनेशन स्पीयर के बाहर था उसको आपने अलग से लिख दिया। तो दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ ओनली दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है? इस तरह के कंपाउंड का ये आईयूपीएसी नेम हो गया है। अब इसका, हाँ बोलिए, लेट्स सी टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड। इन टाइप सेकेंड वी विल हैव अ कंपाउंड इन विच कोऑर्डिनेशन स्पीयर विल बी इन द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट वी विल हैव मेटल एंड देन कोऑर्डिनेशन स्पीयर, एंड इन कोऑर्डिनेशन स्पीयर मेटल अगेन एंड लीगेंड एंड नंबर ऑफ लीगेंड, इस तरह से ही कंपाउंड होगा। तो इसकी नेमिंग हम किस तरह से करेंगे, हाउ विल वी नेम इट, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी। तो देखिए पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले व्हाट यू डू, यू राइट द नेम ऑफ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं। तो पॉजिटिव आयन ध्यान रखना बिगनिंग में होता है, नेगेटिव आयन उसके बाद होता है। तो सबसे पहले जो मेटल आयन है आपके पास में उसकी नेमिंग करनी है आपको। सो फर्स्ट यू विल राइट नेम ऑफ मेटल आयन, ठीक है? मेटल आयन का नेम लिख दें आप, और मेटल आयन का नेम लिखने के बाद आपको कोऑर्डिनेशन स्पीयर यूज में लेना है। इस कोऑर्डिनेशन स्पीयर में जैसा हमें पता है कि क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पीयर को आप सेपरेटली लिखते हैं, तो मेटल आयन लिखने के बाद में थोड़ा स्पेस छोड़े आप और उसके बाद आगे लिखें। देन कोऑर्डिनेशन स्पीयर में पहले लिगेंड को लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, देन नेम ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड के बाद नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, और जब आप नेम ऑफ लिगेंड लिख लेंगे उसके बाद आप मेटल को लिखेंगे, देन मेटल आयन, मेटल आयन, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ये पूरा एक ही वर्ड के अंदर आएगा, ध्यान रखें, इट विल बी रिटन इन अ वन वर्ड, ओके? एंड इट इज रिटन इन वन वर्ड बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन स्पीयर पूरा एक साथ आता है। तो इस तरह के कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है? लेट्स सी वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू से, एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो आपने मेटल लिखा है बेटा, मेटल, इस मेटल के लास्ट में आपको एट और एड करना पड़ेगा, ठीक है? यहां पर मेटल प्लस एट, इसका ऐसा क्यों किया समझना, कि जब भी मेटल आपके पास में नेगेटिव स्पीयर के अंदर होता है या नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर होता है इसमें, तो उस समय आप मेटल को एट लगाते हैं। एट कैसे लगाएंगे, जैसे मान लो अगर आपके पास Fe आ गया तो आप उसे बोलेंगे फेरेट, ठीक है? सपोज यू हैव क्रोमियम Cr, तो आप उसे बोलेंगे क्रोमेट। सपोज यू हैव कोबाल्ट, इट विल बी कॉल्ड कोबाल्टेट, इसे कोबाल्टेट कहा जाएगा। अगर आपके पास में जिंक है तो इट विल बी कॉल्ड जिंकेट। सपोज यू हैव कॉपर, इट विल बी कॉल्ड क्यूप्रेट, क्यूप्रेट बोला जाएगा। तो इस तरह से एट लगा करके लिखना है आपको मेटल को, ठीक है? पहले वाले केस में ऐसा नहीं था जो हमने देखा था, क्योंकि उसमें जो कोऑर्डिनेशन स्पीयर था वो पॉजिटिव था, और अब कोऑर्डिनेशन स्पीयर नेगेटिव है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि वेन एवर कोऑर्डिनेशन स्पीयर इज इन नेगेटिव फॉर्म और नेगेटिव पार्ट, सो इट विल बी मेटल विल बी कंसिडर्ड एज एट, ठीक है? एट यूज में लेंगे। सो लेट्स सी सम एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट वन। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है, सपोज सी आर एन एच थ्री टू एंड सी एन फोर एंड एन ए, ये एक मैंने कंपाउंड बनाया है। इस कंपाउंड में आप देखिए सोडियम जो है वो मेटल है बाहर, ठीक है? क्रोमियम इज अ मेटल आल्सो इन कोऑर्डिनेशन स्पीयर, एंड लीगेंड, दीज टू आर लीगेंड विद देयर नंबर, ठीक है, एन की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेटल आयन का नाम लिखना है। तो मेटल जो आपके पास में बाहर है उसका नेम लिखना है। तो मेटल क्या है, सोडियम, सोडियम, देन फिर स्पेस छोड़े थोड़ा सा, फिर कोऑर्डिनेशन स्पीयर में आपको पहले क्या लिखना है, नंबर ऑफ लिगेंड। तो नंबर ऑफ लिगेंड मतलब जिस लिगेंड का नाम लिख रहे हैं उसका नंबर, बट अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली एमाइन और साइनो, तो एमाइन पहले आता है आपके पास, दो एमाइन है तो डाई एमाइन, ठीक है, डाई एमाइन, देन फोर साइनो है, दैट मीन्स टेट्रा, टेट्रा साइनो, ठीक है, डाई एमाइन टेट्रा साइनो,
देन क्रोमियम, अब क्रोमियम को क्या लिखना है आपको, क्रोमेट, बिकॉज इट इज इन अ नेगेटिव पार्ट, तो क्रोमेट क्रोमेट, और आफ्टर राइटिंग क्रोमेट राइट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, रोमन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखें, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होना चाहिए, +3, ठीक है, तो यहां पर आप फाइंड करके और यहां पर थर्ड लिख देंगे, नाउ इट इज कंप्लीटेड, तो ये आपके पास इसका यूपीएससी नेम हो गया है, ठीक है। अब इसमें ना कभी कभी एक एक्सेप्शन हो रहा है, समझना इस चीज को, कि समटाइम इट हैपन्स दैट कि कोऑर्डिनेशन स्पीयर में जो लिगेंड है उस लिगेंड के नाम में ही कुछ हमारे पास में नंबरिंग आ जाती है, जैसे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये आ जाए, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि अगर मान लो यहां पर कोई ऐसा लिगेंड आ रहा है जहां डाई आ रहा है और दो लगे हुए, तो यानी डाई डाई दो बार नहीं लगा सकते ना, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए अलग से प्रिफिक्स यूज में लेंगे, और वो प्रिफिक्स कौन से होंगे ये भी समझ में आप, जैसे यहां लिख देता हूं, इन केस लिगेंड लिगेंड हैव नंबर, ठीक है, ओके, नंबर प्रिफिक्स कह सकते हैं, प्रिफिक्स नंबर प्रिफिक्स अगर लिगेंड में है पहले से ही, तो अब वो दो लिगेंड है तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, उसके लिए आप बिस यूज में लेते हैं, ध्यान रखना, इफ दे आर थ्री लिगेंड देन यू विल यूज ट्रिप, और इफ यू हैव फोर लिगेंड देन यू कैन यूज टेट्रा किस, ठीक है, इस तरह फाइव लिगेंड है तो पेंटा किस, पेंटा किस, ध्यान रखिए इसमें डबल एस नहीं लगाए बेटा, सिंगल एस वाला है ये, ठीक है, तो यहां पर इस तरह से, फिर अगर बढ़ते जाएंगे तो हेक्सा किस हेप्टा किस इस तरह से बढ़ते जाएंगे वो, तो ये ध्यान रखें कब यूज में लेना है, जब आपके पास लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आ रहा हो, जैसे इथाइलिन डाई एमाइन, तो इथाइलिन डाई एमाइन में डाई वर्ड आता है तो वहां पर आप दो बार डाई नहीं लगा सकते अगर वो दो है, तो देखते हैं एग्जाम्पल, ओके लेट्स हैव सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज वी हैव कोबाल्ट EN2 एंड ओके EN2 आ गया हमारे पास में, और डाई आ गया, फिर एट कैसे लगाएंगे इसमें, एट नहीं लग पाए, ओके कोई दूसरा कंपाउंड लेना पड़ेगा, चलो फिर इस तरह का एग्जाम्पल नहीं है वो, दूसरा वाला एग्जाम्पल है एट में, फिर भी चलो देख लेते हैं इसको, सपोज वी हैव Cl2, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ एक आ जाएगा आपके पास में Cl, एक बाहर आ जाएगा, ये कंपाउंड बन गया हमारे पास, जैसे हमें इसकी नेमिंग कर रही है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रीवियस वन, जो अपन ने पहले देखा था उसका एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप, ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैंने बताया आपको बेस ट्रेस इनका यूज भी आपको आ जाए, ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग अगर आपको करनी है तो पहले आप पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, फिर आप इस नेगेटिव का नाम लिखेंगे, अब पॉजिटिव आयन में पहले लिगेंड लिखेंगे फिर मेटल लिखेंगे, तो लिगेंड आपके पास देखो एक तो ये इथाइलिन डाइएमाइन है ई से और क्लोरिडो सी से, तो अल्फाबेटिकली पहले सी आता है, तो सी को आप क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो या क्लोरिडो, डाई क्लोरो लिखने के बाद फिर ये है इथाइलिन डाइएमाइन, अब यहां वो बात मैं बताना चाह रहा हूं, इथाइलिन डाइएमाइन, डाई इसमें आ रहा है और ये दो भी है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता ना डाई इथाइलिन डाइएमाइन, तो फिर कंफ्यूजन देता है वो, तो इसलिए हम लोग इस बाहर वाले टू के लिए क्या यूज मिलेंगे, बिस यूज मिलेंगे, ध्यान रखना बिस, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे, बिस इथाइलिन इथाइलिन डाइएमाइन, ठीक है, तो इसका मतलब बिस का मतलब दो इथाइलिन डाइएमाइन हो गया आपके पास, देन कोबाल्ट कोबाल्ट एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, थर्ड ओके देन स्पेस दे करके फिर ये जो नेगेटिव आयन है उसको लिखे क्लोराइड, क्लोराइड, अब यहां आपको थोड़े कंपैरिजन समझ में आ रहा है, देखो यहां मैंने कोबाल्ट को कोबाल्टेट नहीं लिखा, ठीक है, कोबाल्टेट नहीं लिखा मैंने, कोबाल्ट लिखा है, ठीक है, रीजन है क्योंकि आपके पास जो कोबाल्ट है वो इस राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में है जो कि पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, तो इसलिए मैंने इसको कोबाल्ट ही लिखा है, जबकि ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्रोमियम को मैंने क्रोमेट लिखा है बिकॉज इसका ये नेगेटिव पार्ट है, सॉरी ये हाँ गुड मॉर्निंग, हाँ मीत बोलो, और आईडी तो यार तुम्हारी मैंने सेंड तो कर दी थी, उससे नहीं हुआ क्या,
और नहीं एक बार तुम ना रिसेप्शन पर एक बार मैडम होगी वो रश्मि मैडम ना, रश्मि मैडम वो आईडी वही जनरेट करती है, तो एक बार उनको बता दो तुम। क्या तो मैंने सर को सेंड भी किया था बोला, लेकिन वो काम नहीं कर रही। ठीक है ना, फिर मैं तो एक्चुअली क्या क्लास ले रहा हूँ बेटा घर से अभी। ठीक है, मैं क्लास में हूँ, लाइव क्लास चल रही है मेरी, चक्कर ये नहीं तो मैं बात कर लेता अभी। ठीक है ना, ठीक है, तो एक बार तो मैडम से कह दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या मेरी सर से बात होगी, सर ने कहा मैडम से एक बार बात कर लेना। ठीक है, ओके। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो अब देखिए, ये आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग इसके आईएफएससी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। अब एक एग्जांपल वो लेते हैं जहां पर आपको ऐसा कंपाउंड मिले जिसमें दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, नेगेटिव पार्ट इज आल्सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो। चलिए देखते हैं। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड इज लाइक दिस, एम साइड थर्ड, दिस इज साइड थर्ड। तो टाइप थर्ड में देखो आप क्या करोगे, मेटल लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड एंड देन अगेन मेटल लिगेंड एंड नंबर ऑफ लिगेंड, दिस इस तरह से। तो दिस इज द पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज द नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है, सेम वही तरीका है वैसे। फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेमिंग ऑफ पॉजिटिव पार्ट देन नेगेटिव पार्ट, और बीच में स्पेस छोड़ना है आपको। तो इसको लिगेंड से स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड देन नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, ओके, एंड देन मेटल, मेटल विद ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इस तरह से लिख दिया आपने, तो ये पूरा एक साथ। ठीक है, देयर शुड बी नो गैप बिटवीन दीज वन, इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अब ये कंप्लीट होने के बाद फिर आप नेगेटिव पार्ट में आ जाओ। इस नेगेटिव पार्ट में आपको क्या लिखना है, अगेन फर्स्ट नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, और नंबर ऑफ लिगेंड के बाद आपको लिखना है नेम ऑफ लिगेंड, लिखा है ठीक है, देन नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम लिख दें, और लिगेंड का नाम लिखने के बाद उसके बाद में आप मेटल लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देन मेटल, एंड आफ्टर राइटिंग मेटल यू हैव टू एड एट, यहां पर एट भी एड करना है आपको। ठीक है, मेटल प्लस एट, ठीक है, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें। तो ये पूरा एक ही वर्ड के अंदर आएगा, कंप्लीट इन वन वर्ड। ठीक है, तो यहां एक चीज ध्यान रखना, दोनों मेटल में डिफरेंस है। फर्स्ट में जो मेटल आ रहा है उसको मैंने मेटल ही लिखा है, और सेकेंड पार्ट में जो मेटल आ रहा है उसके आगे मैंने एट लगाया है। क्यों? क्योंकि ये वाला मेटल जो है ना, इसमें एट इसलिए लगाया बेटा क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक ओनली दिस वन, यहाँ बच्चे इस मिस्टेक करते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेमिंग कर रहे हैं तो जो इसका नेगेटिव वाला पार्ट है उसके मेटल में एट लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो इस तरह का एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। लेट्स सी एन एग्जाम्पल फ्रॉम बुक, अब बुक में से ले लेते हैं एक एग्जाम्पल इस तरह का जिसमें दोनों पार्ट हो हमारे पास। ओके, लेट सी दिस वन, सी ओ एंड एन एच थ्री एंड फोर सी एल टू एंड देन सी आर सी एन सिक्स। ठीक है, और यहां पर थ्री भी है हमारे पास, दिस इज द कंपाउंड, हमें इसका आईयूपीएसी नेमिंग करना है। तो पहले आप इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, तो इसके आईयूपीएसी नेमिंग के लिए आप देखो सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग करनी है आपको। लिगेंड्स में एमाइन एंड क्लोरिडो, ए एंड सी, तो ए पहले आएगा, फोर एमाइन है दैट मीन्स टेट्रा एमाइन, आफ्टर राइटिंग टेट्रा एमाइन, ठीक है, देन क्लोरिडो डाई, क्लोरिडो और क्लोरो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, एंड देन मेटल कोबाल्ट, देन ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी स्पेस छोड़ रहा हूं मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, अब इसको लिखेंगे अपन, देन ये वाला पार्ट लिख रहा हूं थोड़ा स्पेस छोड़कर, देन सिक्स साइनाइड, हेक्सा साइनो, ओके, देन क्रोमियम है यहां पर क्रोमेट, ठीक है, बिकॉज इट इज द नेगेटिव पार्ट, तो यहां पर इसके मेटल को हमने क्रोमेट बोला है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करें यहां समझना, यहां भी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स पे, तो आप क्या करो इसको डिसोसिएट करो एक बार। ठीक
ठीक है, व्हेन यू डिसोसिएट इट, इसको अगर आप डिसोसिएट करोगे तो देखो इस तरह से बनेगा ये NH3 4 Cl 2, और इसको अलग लिख रहा हूं मैं Cr CN 6। अब समझे ये जो 3 है ना बेटा, ये यहां ट्रांसफर होगा चार्ज की फॉर्म में 3 नेगेटिव, ठीक है। और इसका जो चार्ज है भाई, ये चार्ज जो है ये इसका है, ठीक है, और इसका चार्ज यहां पर है, तो यहां आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा, दैट मीन्स यहां पर क्या है आपके पास में, या क्या होना चाहिए, +1, क्योंकि ये जब इनका चार्ज आपस में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, 3 यहां ट्रांसफर होगा जब आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है, मैं शो कर दूंगा, 3 विल ट्रांसफर हियर, 1 विल ट्रांसफर हियर, एंड दिस कंपाउंड विल बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ दिस। तो अब यहां पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, सपोज आई कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, तो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, इट्स वेरी सिंपल, वी कैन कैलकुलेट कंसिडरिंग इट एज x प्लस अमोनिया को 0 × 4 प्लस क्लोरीन -1 × 2, और इसको कैलकुलेट कर लो एंड द रिजल्ट विल बी एन इक्वल्स टू +1, सॉरी चार्ज बाहर +1 है, तो x द वैल्यू ऑफ x विल बी +3, तो +3 वैल्यू आएगी, इसका मतलब इसका चार्ज कितना है 3rd, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd आ गई। अब सिमिलरली इसको कैलकुलेट करो, तो इसको x कंसीडर कर लो, प्लस Cn की वैल्यू -1 × 6 इक्वल्स टू -3, x विल बी +3, तो यहां पर भी इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3rd, ठीक है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd 3rd आ जाएगी। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, समझ आ गया बेटा ये, आई थिंक इसमें, ओके वेरी गुड। इसमें देखो एक्चुअली मैंने आपको देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन योर बुक, सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस द एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है बेटा, वो प्रैक्टिस करके जरूर देख लेना, ठीक है। मैंने आपको जैसे जितने टाइप्स हो सकते हैं इसके, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। हाँ, एक तरह एक और हो सकता है आयन, वो और बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर आपने ध्यान से सुना है मुझे और ध्यान से समझा है, आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम राइटिंग द IUPAC नेम ऑफ दीज कंपाउंड। चलिए देखते हैं, ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप 4, ठीक है, ये तो सिंपल वन है, दैट इज आयन जो है आपके पास, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, हम देख रहे हैं नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ओके, हाउ वी नेम कॉम्प्लेक्स आयन। सो सपोज वी हैव मेटल लीगेंड, नंबर ऑफ लीगेंड एंड हियर वी हैव सम चार्ज, यहां कुछ चार्ज है हमारे पास, ठीक है, सो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली, वी हैव टू डू वन थिंग, फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग विद लीगेंड नंबर, ठीक है, लीगेंड का नेम ऑफ लीगेंड एंड देन मेटल, देन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देन आयन, ठीक है, रिमेंबर दिस, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स आयन है तो लास्ट में यू हैव टू मेंशन आयन, आयन आपको मेंशन करना है, ठीक है। इसमें भी एक और चीज है, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, अब यही अगर आपके पास नेगेटिव होता तो उस कंडीशन में फिर मेटल को आप ध्यान रखना 8 लगा के, यहां मैंने 8 नहीं लगाया, ठीक है, बिकॉज इट इज पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, यही अगर -N होता तो उस कंडीशन में मैं वहां पर 8 लगाता। लेट्स सी टू एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज CrNH3 6 3+ एंड वन मोर एग्जाम्पल CrCN 6 3-, ओके, सो लेट्स राइट द नेम ऑफ दीज टू। तो फर्स्ट वन जो है इसको आप क्या लिखेंगे, देखो हेक्सा एमाइन एंड दिस इज क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd 3rd एंड देन आयन, ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको। आयन लास्ट में जरूर लगाएं अगर वो आयनिक फॉर्म में न्यूट्रल नहीं है तो, ठीक है, बट अगर यहां नेमिंग कर रहे हैं आप इसकी, तो दिस इज 6 साइनो हेक्सा साइनो देन क्रोमेट 3rd आयन, ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी कि यहां हमने क्रोमेट बोला है इसको और यहां हमने इसको क्रोमियम बोला है, क्रोमियम बिकॉज इट इज इन पॉजिटिव स्पीयर एंड क्रोमेट बिकॉज इट इज इन नेगेटिव स्पीयर, ये नेगेटिव स्पीयर में,
पेट ध्यान रखें आप, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइप भी हो सकता है, तो दिस इज द अनदर वन। ओके, और तो आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ओके, एंड द आइसोमेरिज्म हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। आइसोमेरिज्म भी एक टॉपिक है बेटा, बट वो आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है। सो यू नीड नॉट स्टडी द आइसोमेरिज्म दिस ईयर फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, बट इफ यू आर परसुइंग फॉर नीट एंड जेईई की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आप जरूर कर सकते हैं। बट सीबीएसई बोर्ड में आपको आइसोमेरिज्म नहीं करना। आइसोमेरिज्म भी 2-3 दिन का टॉपिक था जो डिलीट कर दिया गया है, तो आपके लिए ठीक है, इजी हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और चलिए चलते हैं आगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैसे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट वी कैन गिव द इंट्रोडक्शन एंड जनरल थिंग अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको अपन देख सकते हैं, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? देखो, एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेल्स अस हाउ लिगेंड्स फॉर्म बॉन्ड विद मेटल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, तो लिगेंड्स जो होते हैं वो मेटल के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी कहती है कि एक्चुअली में लिगेंड्स जब अपने इलेक्ट्रॉन, व्हेन लिगेंड्स प्रोवाइड इट्स इलेक्ट्रॉन टू मेटल फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके, सो बिफोर दैट द मेटल आयन अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। जो मेटल आयन होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट करते हैं एंड फॉर्म द सेम नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड मेक इट अवेलेबल फॉर लिगेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो अपने जो ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइजेशन के बाद में किसको प्रोवाइड कराएगा, लिगेंड्स को, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन उसमें दे सके और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, ठीक है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, कि ये जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन किस चीज का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कम से कम 3D सीरीज का तो आपको आना चाहिए, क्योंकि बार बार वो यूज में आएगा आपके, आयनिक फॉर्म आपको यूज में लेनी पड़ेगी मेटल की। तो एक बार मैं वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है, हाउ कैन वी यूज इट। सो लेट्स सी, सो हम यहां देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ 3D सीरीज, ठीक है। मैं 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके मेटल आयन मोस्टली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए काम में आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज में आते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट इज स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है, दीज आर द एलिमेंट। तो यहां देखिए, फर्स्ट इज स्कैंडियम। सो इफ स्कैंडियम कम्स एट 21, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा इसमें आपको, आपको केवल इनका ना ऑर्डर पता होना कि किस ऑर्डर के अंदर ये एलिमेंट है। जैसे स्कैंडियम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, दीज आर द एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में आपको क्या करना है, वॉट यू हैव टू डू, ठीक है, कि सबसे पहले तो हमें पता है हीलियम, सॉरी ऑर्गन तो सब में आएगा, ऑर्गन अप टू 18, ठीक है। तो ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आपको सब में देखने को मिलेगा, बिगनिंग में ऑर्गन तक, तो ये तो कॉमन हो गया, ठीक है, सब में यूज में आएगा। देन अब इसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिख रहे हैं, उसमें दो ऑर्बिटल ज्यादा काम में आ रहे हैं, 3D एंड 4s, तो सब में 3D 4s काम में आ रहा है, तो आप 3D 4s सब में लिख दें, 3D 4s 3D। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे ये अभी बता देंगे, ठीक है, 3D 4s 3D 4s एंड 3D एंड 4s। चलो अब देखो क्या करना है आपको, सिंपल, जैसे मैंने कहा अगर आपको ये ऑर्डर लर्न है, ठीक है, 21 से 30 तक आपको ये लर्न है, तो आपको क्या करना है, दो एक्सेप्शन को छोड़ करके, ठीक है, एक्सेप्ट टू एक्सेप्शन,
द एलिमेंट विल फॉलो द ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कैसे? आप एक तो क्रोमियम को छोड़ दो, ये एक्सेप्शन है, और एक आप कॉपर को छोड़ दो, ये एक्सेप्शन है। दो का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्सेप्शन है, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे? 21 डी में 1, 22 डी में 2, 23 डी में 3, 24 छोड़ दो एक्सेप्शन है, 25 डी में 5, 26 डी में 6, 27 डी में 7, 28 डी में 8, 29 एक्सेप्शन है, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या जाएगा? जिंक। तो जिंक 30 पर आ रहा है, तो 20 मतलब यहाँ आ गया 28, 29 एक्सेप्शन है, और 30 में 10 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये तो आपने लिख दिया। उसके बाद फिर वापस आते हैं अपन एफ में। तो एफ में वापस देखो, हमें पता है एफ कंटेन टू इलेक्ट्रॉन, तो टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्शन को छोड़ दें, दिस इज एक्सेप्शन, ठीक है। देन टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, तो देखो बहुत सिंपल हो गया बेटा आपके लिए, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। एक बेटा आपका ऑडियो ऑफ करें, प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियो, टर्न ऑफ योर ऑडियो, ओके। सो अब बात करते हैं एक्सेप्शन की, लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन में क्या होगा? ये दो एक्सेप्शन है आपके पास, व्हाट विल हैपन इन एक्सेप्शन, लेट्स सी। फर्स्ट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमियम, तो क्रोमियम क्या है? वेनेडियम के बाद में आता है। तो वेनेडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखें आप, तो वो इस तरह से है, लाइक दिस, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ वेनेडियम, 1 2 3 एंड 1 2। अब वेनेडियम के जस्ट बाद वाला जो इलेक्ट्रो एलिमेंट आ रहा है बेटा, उसमें क्या होगा? 3 के बाद 4 आना चाहिए, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज होने चाहिए, लाइक दिस, 3 के जस्ट बाद 4 आना चाहिए, ठीक है। और यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिटल इज एम्प्टी ऑनली। तो अगर कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बिकॉज फिर स्टेबिलिटी मिल जाएगी इसको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां आ गया, तो ये इसकी स्टेबिलिटी आ गई है। तो यानी अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 5। और एफ में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है? 1, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्शन। तो ये ऑर्डर जो है वो ब्रेक हो गया हमारे पास, ठीक है, आफ्टर डी थ्री, ठीक है, डी थ्री, देन डी फाइव, फिर डी फाइव अगेन। सो अगेन द एक्सेप्शन इज हियर। यहां पर वापस एक्सेप्शन को देखें आप एक बार अगेन। तो निकल में हमें पता है तो सीक्वेंस में है, तो लेट्स राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ निकल। इन डी ऑर्बिटल वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन, वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन, ओके, दीज आर द 8 इलेक्ट्रॉन। इन एस ऑर्बिटल वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। सो इसके जस्ट बाद में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं, ठीक है, तो 8 के बाद में इसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एंड इधर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा? टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, दिस एस इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन डी, ये डी में एंटर कर लेगा, और यहां पर एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्शन कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुआ? D10 F1, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयार रखें, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आपको आगे क्या करना है, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू एक्सप्लेन VBT, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं बेटा VBT का, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि VBT को कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल, और फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन आता है बेटा VBT का एग्जाम में, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है लगभग, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा और आपको आंसर कैसे देना है, लेट्स सी। सपोज हमें एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है, और हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बढ़िया सा अकॉर्डिंग टू VBT, एंड दैट कंपाउंड इज CrNH3 6। यार थोड़ा सा कैसा लेते हैं, डिफिकल्ट वन, ओके, चलिए मिल गया, आई हैव गॉट इट। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हम ले रहे हैं, दैट इज NiCN4, NiCN4, एंड मतलब बैकग्राउंड वॉइस इज ऑडिबल, प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियो, Somebody's background voice is audible to me. I think it is Uday. Puneet, again? Puneet, please turn off your audio. Okay. Yes. Let's see.
सो एन आई सी एन फोर टू नेगेटिव, ओके. सो दिस इज द कंपाउंड. सो वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड अकॉर्डिंग टू वीबीटी. वीबीटी के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेशन बतानी है. तो इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, पहला स्टेप हम जो यूज करेंगे, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. जो निकल है आपके पास में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखें. अब निकल कितने नंबर पर आ रहा है, देखो अभी अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखा है. निकल कम्स एट 28, ओके 28, ओके. तो 28 पर आ रहा है. तो 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आपको आता है, इट इज ऑर्गन एंड आफ्टर ऑर्गन इट इज 3d8 एंड 4s2. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ निकल. अब यहां देखो जो आपके पास निकल है, एक्चुअली में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. निकल का अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करता हूँ, फाइंड करता हूँ यहाँ पर, तो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल कम आउट टू बी +2, ठीक है. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा आपके पास. तो मुझे यहाँ पर निकल आयन यूज में लेना है. तो मैं अगर निकल आयन को यूज में लेता हूँ तो मैं +2 लिखूंगा यहाँ. तो +2 मीन्स इट हैज टू इलेक्ट्रॉन लेस देन निकल एटम. तो निकल एटम के कंपेरिजन में दो इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, तो दो इलेक्ट्रॉन एस से आप रिमूव कर दो. तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो गया इसका, Ar3d8 और 4s0. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ निकल. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो गया. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है, इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. तो इसके इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं, देखते हैं. Ni2+Ar और Ar के बाद देखो डी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो इट इज जस्ट लाइक दिस, 1 2 3 4 5, 8 इलेक्ट्रॉन. 1 2 कंटिन्यूस लेते हैं, 1 2 3 4 5, देन पेयरिंग 6 7 8, दीज आर द 8 इलेक्ट्रॉन. एंड एस इज एम्प्टी, एस इज एम्प्टी. इसके बाद क्या होता है, 4p होता है बेटा, वो भी एम्प्टी है. आप चाहो तो बना सकते हो. दिस इज पी ऑर्बिटल, दिस इज ऑल्सो एम्प्टी, ये भी एम्प्टी है, ठीक है. अब हमें क्या करना है, वॉट वी हैव टू डू, अब हमें देखना है कि ये जो लिगेंड है आपके पास सी एन, इज इट स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड. ये आपको आगे बताया जाएगा इसमें कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, एक वीक लिगेंड होता है. तो यहां ध्यान रखना, सी एन इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड. सी एन जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड. और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एक नेचर होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है कि जो ऑर्बिटल है उनको एम्प्टी कराने की कोशिश करता है, खाली कराने की कोशिश करता है. तो यहां पर अगर आप देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो जब ये अटैक करेगा इस पर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ट्रांजिशन करके इसमें चला जाएगा, ठीक है, और ये बाहर वाला ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा. तो यहां इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस, ए आर, और यहां पर आपके पास 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, यस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने एक एम्प्टी कर दिया. दिस इज डी ऑर्बिटल, ओके, दिस इज एस ऑर्बिटल एंड दिस इज पी ऑर्बिटल. अब क्या होगा, आप देखो यहां 4 लिगेंड्स अटैच है. तो अगर आपके पास 4 लिगेंड्स होते हैं ना बेटा, 4 लिगेंड्स होते हैं, तो वहां हाइब्रिडाइजेशन की दो पॉसिबिलिटी होती है, sp3 एंड dsp2, दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है. तो यहां पर कौन सी पॉसिबिलिटी है ये चीज हमको देखनी है, ठीक है. यहां आपने एक d ऑर्बिटल एम्प्टी है आपके पास हो गया है, एक s, और यहां पर दो अगर मैं ये ऑर्बिटल काम में लेता हूं तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, तो वो कौन सा हो सकता है, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन बी ऑकर्ड, ठीक है. तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन. तो ये जो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, तो इसके बाद में आपके पास में 4 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे, और इससे अब आप यू लिखेंगे NiCN4 एंड 2-, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे Ar. Ar के बाद आपके पास देखो क्या है, एक्चुअली 4 तो ये ऑर्बिटल है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, ठीक है, जो फुली फिल्ड है लाइक दिस. और उसके बाद 4 ऑर्बिटल्स आपको ये बनाने, ड्रॉ करने, जो हाइब्रिडाइज है, ठीक है, लाइक दिस 1 2 3 4, और इनकी नेमिंग कर सकते हैं आप. जैसे ये भी आपके पास dsp2 है, दिस इज ऑल्सो dsp2, दिस इज dsp2, दिस इज dsp2, क्योंकि बिकॉज दे हैव फॉर्म्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. अब क्या होगा, ये dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए आपके पास,
उसमें ये वो 4 CN जो है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे लाइक दिस, CN 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 एंड CN, ठीक है, दीज आर द 4 फाइनाइट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट कर देंगे, और इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। और आपको ध्यान होगा अपन ने वो पढ़ा था कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास डीएसपी टू हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर में मेटल तो सेंटर में रहेगा आपके पास निकल, और जो साइनाइड्स हैं वो इस तरह से आते हैं, इस तरह से आते हैं लाइक दिस, पीएन 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 एंड पीएन, दीज आर द साइनाइड्स, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। इसमें एक दो चीजें और पूछी जाती हैं, अगर आपको पूछा जाए कि यहां इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो हाउ विल यू प्रॉपर्टी कैसे बताएंगे, हाउ विल यू डिस्क्लोज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो आपको ये देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद, ये बनने के बाद, इज देयर एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आपको दिख रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, दैट मीन्स इसका नेचर कैसा हो गया, इट इज डायमैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, ये जो कंपाउंड होगा वो डाया मैग्नेटिक कंपाउंड हो जाएगा, तो इस तरह से आप ये पहचान सकते हैं, ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। बाकी ये मैंने क्योंकि टाइम थोड़ा लिमिटेड था तो ज्यादा थ्योरी हम इसकी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, बट नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम इसके एग्जाम्पल लेंगे उसको थोड़ा डिटेल्स के अंदर डिटेल में लेंगे अपन, ठीक है।